ग्वालियर में सब्जी मंडी के नाराज व्यापारियों के बीच पहुंचे मंत्री, पैरों में झुककर माफी मांगी। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर अपने क्षेत्र की जनता के प्रति काफी संवेदनशील है और यह वे कई बार साबित कर चुके हैं। इस बार उनके क्षेत्र की जनता सब्जी मंडी के विस्थापन से गुस्से से लाल पीली थी और जब मंत्री जी वहां पहुंचे तो उन्होंने एक नाराज महिला व्यापारी के सामने बैठकर सिर उसके पैरों में रख दिया। यही नहीं, उसके दोनों हाथ पकड़कर मंत्री जी ने अपने गालों पर चांटे मारे तो महिला का दिल पसीज गया और गुस्सा गायब हो गया। ग्वालियर की पुरानी सब्जी मंडी से हटाई गई एक महिला व्यवसायी बबीना बाई का आक्रोश ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन तोमर को देखते ही फूट पड़ा। उन्होंने मंत्री तोमर को खड़ी खोटी सुनाई और कहा कि वो विधवा है, किसी तरह पुरानी सब्जी मंडी में बैठकर अपनी रोजी रोटी चला रही थी, लेकिन प्रशासन ने उनके रहते हुए सैकड़ों गरीब और रोजाना कमाने वाले दुकानदारों को हटा दिया है। मंत्री को खड़ी खोटी सुनाने के बाद प्रद्युमन तोमर ने महिला के पैरों में सिर रख दिया, कहा कि वह उनके बेटे जैसे है, यदि बेटे से कोई गलती हुई है तो वह उनकी पिटाई भी कर सकती है। यह कहते हुए उन्होंने महिला के हाथ से अपने दोनों गालों पर एक एक चांटा भी रसीद करवाया, लेकिन महिला ने उन्हें पीटने से इनकार कर दिया। अरे पहले जरा पिटाई तो कर ले, पिटाई कर ले पहले। अरे एक सुन तो ले, एक ऐसे मार, एक ऐसे मार, अरे छोड़ दो, एक ऐसे सुन तो महाराज नहीं हो तेरा, तेरा बेटा हो मुझे पहले ढंग से मार ले। नहीं महाराज, नहीं हमका मैं बात करूंगा, वो नुकसान हुआ होगा मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं हूँ ना, मैं गरीब ना, बैठा हूँ तेरे साथ आया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम टॉप स्टोरी न्यूज़।